हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है आलू का पराठा बनाने की। आलू का पराठा तो सभी का बहुत ही फेवरेट होता है। आज हम आलू का पराठा बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत ही कम मसालों के साथ बनाएंगे। सिर्फ इसमें एक चीज़ मिलाएंगे जिससे आपके आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आलू का पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने 2 कप ये गेहूं का आटा लिया है, यानी व्हीट फ्लावर। यहाँ पर 3 मैंने उबले हुए आलू लिए थे जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कट किया हुआ, थोड़ा सा अदरक इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, 1 हरी मिर्च बारीक कट की हुई, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती इसको भी मैंने साफ करके धो के बारीक कट कर लिया है। पराठा सेकने के लिए देसी घी, नमक स्वादानुसार, और इसमें हम मैगी मसाले के ये 2 पैकेट मिलाएंगे। इसमें हमने आमचूर पाउडर, सौंफ पाउडर, बाकी और मसाले हमने ज़्यादा इसमें ऐड नहीं किए हैं क्योंकि हम इसमें मैगी मसाला ऐड कर रहे हैं। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे तो इस मैगी मसाले का टेस्ट थोड़ा सा कम आएगा। तो 2 पैकेट यहाँ पर मैंने ये लिए हैं तो हम इनको ऐड करेंगे जिससे कि हमारे आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। अब हमने गेहूं का आटा ले लिया है। सबसे पहले हम पराठों के लिए आटा गूंथ के तैयार करेंगे। तो इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल, यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहें तो देसी घी ले सकते हैं। साथ में ही हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। पहले हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ऑयल और नमक हमने अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसका सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। हमें इसका डो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, एकदम सॉफ्ट लगाना है। ये देखिए, हमने पराठों के लिए एकदम सॉफ्ट डो ये लगा के तैयार कर लिया है। अब हाथ को हम थोड़ा सा चिकना करते हुए इस तरह से थोड़ा सा ऑयल हम इस पर लगा देंगे और इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। अब हम पराठों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने कद्दूकस किए हुए आलू ले लिए हैं। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज आपको ध्यान रखनी है कि बहुत ही बारीक कट करनी है। हरी मिर्च, मिर्च का अमाउंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ग्रेट किया हुआ अदरक, आप ग्रेट किए हुए अदरक की जगह इसमें अदरक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वादानुसार, सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब लास्ट में जो हमने ये मैगी मसाला लिया था इसको डाल देंगे। 2 पैकेट लिए हैं यहाँ पर मैंने। आप जिस अमाउंट में पराठे बना रहे हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, पराठे में भरने के लिए हमारा आलू का मसाला भी रेडी है। सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। 10 मिनट हो गए हैं तो हम डो को थोड़ा सा और गूंथते हुए चिकना कर लेते हैं। डो को हमने गूंथते हुए चिकना कर लिया है। अब आपको जिस साइज़ के पराठे बनाने हैं उस साइज़ की हम इसमें से लोई लेके इस तरह से गोल कर लेंगे। इस तरह से अब हम एक लोई लेंगे, इसको हम थोड़ा से सूखे आटे में इस तरह से लपेट लेंगे और इसको अभी हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। ये देखिए, हमने इसको इतना बढ़ा लिया। अब हमने जो ये आलू का मिक्सचर तैयार किया है इसको रखेंगे, अच्छे से रखेंगे क्योंकि आलू का पराठा है तो उसमें आलू अच्छे से भरे होने चाहिए तभी टेस्टी लगेगा। अब इस तरह से ही देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको उठा लिया किनारों से। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से इसकी किनारी ये पकड़ते हुए, ये देखिए
हमने इसको गोल कर लिया, हल्के हाथ से हम इसको दबा लेंगे। ये देखिए अच्छे से ये बंद हो जाना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अब दोबारा से हम इसको इस तरह से सूखे आटे में हल्का सा लपेट लेंगे। पहले हम हाथ से इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे जिससे कि जो भी आलू का मिक्सचर है वो अच्छे से किनारों तक फैल जाएगा। अब हम इसको किनारे से लेते हुए बहुत हल्के हाथ से बेल लेते हैं। देखिए बीच में हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, इस तरह से किनारों से लेते हुए हम बेलेंगे। तो ये देखिए हमने ये आलू का पराठा बेल के तैयार कर लिया है। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना मोटा बेला है, क्योंकि इसमें मैंने आलू भी अच्छे से भरा है। गैस पर तवा हमने पहले ही गरम करने रख दिया है, तो अब इस पराठे को हम तवे पर डाल देते हैं। तवा गरम है तो इसको हम तवे पर डाल देते हैं और एक साइड हम इसको सिकने देंगे। अब हम पलट लेंगे। ये देखिए एक साइड थोड़ा सा सिक गया है, अभी हमने घी नहीं लगाया है। दूसरी साइड भी थोड़ा सा सिक जाएगा तब हम इस पर घी लगाएंगे। दूसरी साइड भी हल्का सा ये देखिए सिक गया है, तो अब हम इसको पलटते हुए इस पर घी लगाएंगे। गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर रखी है। दूसरी साइड भी लगा लेंगे पलटते हुए। पलट लेंगे दोबारा से, लो और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको सेकेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि पराठा फूलने लगा है। देखिए आप देख सकते हैं कि पराठा कितना अच्छे से फूल गया है। ये देखिए एकदम गोल पराठा हो गया है। ये देखिए पराठा हमने दोनों साइड अच्छे से सेक लिया है। आप देख सकते हैं कि अच्छे से सिक गया है ये दोनों साइड। तो इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी पराठे बना के रेडी कर लेंगे। इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी आलू के पराठे बनके तैयार हैं। इसको आप दही के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, किसी भी अचार के साथ खाइए। यहाँ पर मैंने आम का अचार लिया है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है तो आप देख सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी आलू के पराठे की रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आलू के पराठे बनाए हैं और ज़्यादा मसालों का भी यूज नहीं किया है। तो आप इस तरह से एक बार आलू के पराठे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।